ऊर्जा पर। तो आज हम जा रहे हैं पत्ता गोभी और मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनाने। यह सब्जी आपकी झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन को बैठा लिया, अब अपना गैस जलाएंगे। इसमें हमने अपना तेल डाल लिया और तेल हमारा गर्म हो गया है, तब इसमें हम अपना जीरा डालेंगे। तो जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक चुका है, इसमें अपना हींग डालेंगे। हींग को भी थोड़ी देर इसमें रहने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, तब इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। एक मिनट इसको हमने अपना भून लिया है, इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसमें मटर भी डाल देंगे। ये हम इसमें अपना मटर भी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट हमने इसे भून लिया है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अपना नमक मिक्स कर लिया है, इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे। तो पत्ता गोभी को चारों तरफ इस तरीके से फैला फैला कर डालेंगे, और हमने अपना पत्ता गोभी को पतला पतला काट लिया है, तो इस तरीके से चारों तरफ फैला। अब हम इसे धीमी आंच पर ढक देते हैं और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब हम इसे चढ़ा लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको हमने अपना मिक्स कर लिया है, अब इसे हम ढक देंगे। देखिए इसे हम चला लेंगे और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो हमने गैस को बंद कर देंगे, इसके ऊपर हम धनिया पत्ती डालेंगे। देखिए इसे हमने अपना प्लेट में निकाल लिया है, और ये सब्जी सूखी ही रहती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे जो बना के खाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय।